हेलो दोस्तों, क्या आपने कभी सुना है वर्ल्ड के लार्जेस्ट कार्बन कैप्चर प्लांट के बारे में? और आज मैं बताने वाला हूँ आपको ऐसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के बारे में जो क्लाइमेट चेंज से लड़ने में मदद कर रहा है और बहुत ही अनोखे अंदाज से CO2 को रिमूव कर रहा है हमारे एनवायरमेंट से। और आज की इस वीडियो में जानेंगे कि आखिरकार ये प्लांट किस तरीके से काम कर रहा है, कैसे एक बहुत ही अनोखे तरीके से CO2 को रिमूव कर रहा है और किस तरीके से आने वाले समय में एक बहुत ही बड़ा चेंज लाने वाला है पूरे वर्ल्ड में। और ये जानने के लिए आपको वीडियो पर अंत तक देखना। लेट्स स्टार्ट। जिसके आप सब जानते हैं क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही बड़ा इशू है जिसकी वजह से पूरी दुनिया में फ्लड्स, फॉरेस्ट में आग लगना, आइस मेल्टिंग होना और एनिमल्स की लाइफ को बहुत ज्यादा इफेक्ट हो रहा है। क्लाइमेट चेंज एक बहुत ही बड़ा इशू है, एक लौता ऐसा मुद्दा है जहाँ पे पूरी दुनिया के लोग आते हैं, हर कंट्रीज आते हैं, इसका सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश करती है। हर कंट्री कोशिश कर रही अपनी तरफ से किस तरीके से हम टेक्नोलॉजी की मदद से एक ऐसा बेस्ट सोल्यूशन निकाल पाए जिसकी वजह से हम कार्बन को रिड्यूस कर पाए फ्रॉम एयर से और अपने प्लेनेट को अवेयर खूबसर बना पाए। जिसके सब जानते हैं जितने भी इंडस्ट्रीज है, मैन्युफैक्चरिंग हब्स है, जो भी फैक्ट्रीज है वो बहुत ही ज्यादा कार्बन रिड्यूस करते हैं, उनकी चिमनीज बहुत ही ज्यादा पोल्यूट करते हैं हमारे एनवायरमेंट को। और बहुत ही ज्यादा इंडस्ट्रीज बढ़ती जा रही है जिसकी वजह से जो एनवायरमेंट है बहुत ही ज्यादा पोल्यूट हो रहा है। लेकिन आइसलैंड वहीं पे एक सॉल्यूशन के साथ आता है। आइसलैंड पिछले कई दशक से एनवायरमेंट पे काम कर रहा है और वो अपनी कंट्री को कार्बन न्यूट्रल कंट्री बनाने की कोशिश कर रहे हैं। वो नई नई टेक्नोलॉजी को आजमाते हैं और हर टेक्नोलॉजी को बेहतर करने की कोशिश करते हैं। और इस बार वो ऐसी ही टेक्नोलॉजी को लेके आए जिसका नाम है ओरेका। ये वर्ल्ड का लार्जेस्ट कार्बन कैप्चर प्लांट है। इन्होंने एस्टेब्लिश किया है आइसलैंड में। और कार्बन कैप्चर प्लांट किस तरीके से काम करता है ये मैं बता देता हूँ आपको। इनके चार यूनिट्स हैं जिसमें दो मेटेलिक बॉक्स है जो बहुत बड़े बड़े हैं। इनमें बहुत बड़े बड़े पंखे लगे हैं, बहुत सारे पंखे लगे हैं। वो डायरेक्ट एयर लेते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेयर से और वो एयर पास होती है बड़े बड़े फिल्टर्स के थ्रू। और इन फिल्टर्स में CO2 स्टक हो जाता है और बाकी जो गैसेज होते हैं वो रिलीज हो जाती है। एंड देन उसके बाद वो हीट वेव को उसमें छोड़ते हैं जिसकी वजह से जो CO2 होता है फिल्टर से रिमूव हो जाता है। एंड देन वो CO2 को एक अलग कंटेनर में कंटेन कर लेते हैं। एंड उसके बाद एक नेक्स्ट कंपनी आती है जिसका नाम है कार्बन फिक्स। और जो अनवांटेड एमिशन होता है ये जियोथर्मल प्लांट से ले लेते हैं एंड उसको वाटर के साथ मिक्स करते हैं एंड वोल्केनो रॉक्स में छोड़ देते हैं। आखिरकार ये वोल्केनो रॉक्स में क्यों छोड़ देते हैं, यहाँ पे एक क्रेजी पॉइंट आता है। जैसे कि आपको नहीं पता बता देता हूँ, आइसलैंड में बहुत सारे वोल्केनोज हैं जो पास में बहुत ही ज्यादा फूटे हैं जिसकी वजह से उनमें रॉक फॉर्मेशन हुई है। लेकिन उन रॉक फॉर्मेशन की वजह से एक केमिकल रिएक्शन हुआ है जो आज मदद कर रहा है, कैसे वो जानेंगे आगे। जैसे कि आप सबको पता है ये जो रिएक्शन होता है CO2 का, फिर वो इसको वाटर के साथ डिजोल्व करके उस रॉक के अंदर भेज देते हैं, वहाँ पे केमिकल रिएक्शन होता है। एंड आने वाले 2 सालों में जो CO2 होती है वो स्टोन में तब्दील हो जाती है और एक परमानेंट सॉल्यूशन है ताकि CO2 रिलीज ना हो किसी अंडरग्राउंड डालने से। ये अंडरग्राउंड छोड़ देते हैं CO2 को वाटर के साथ मिक्स करके, वहाँ पे केमिकल के साथ रिएक्शन होता है जिसकी वजह से रॉक फॉर्मेशन बन जाती है, छोटे छोटे स्टोन्स बन जाते हैं। और ये बहुत ही बड़ा परमानेंट सॉल्यूशन है क्योंकि अगर हम ऐसा करते रहेंगे तो आने वाले टाइम में बहुत कम CO2 बचेगी एयर में। इसमें दिखाता है किस तरीके से नेचर ही इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर रहा है, बस हम साइंस की मदद से इस सॉल्यूशन को और भी इजी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन जैसा ये दिखता है उतना सिंपल है नहीं, क्योंकि जो प्लांट है इसको बनाने में बहुत ही ज़्यादा कॉस्ट आई है। क्योंकि इस प्लांट को बनाने में $15 मिलियन लगे, आइसलैंड को इस प्लांट को बनाने में $15 मिलियन लगे। और ये प्रोजेक्ट है बहुत ही एक्सपेंसिव है और इसको लार्ज स्केल पर करने के लिए बहुत ही टाइम लगेगा क्योंकि ये बहुत ही छोटी मार्केट है। और ये टेक्नोलॉजी उतनी भी इफिशियंट नहीं है क्योंकि ये टेक्नोलॉजी हर साल 4,000 टन ऑफ कार्बन रिमूव कर रही है इस प्लांट की मदद से। आज पूरे वर्ल्ड में ऐसे 15 टोटल प्लांट्स हैं और इस 15 टोटल प्लांट्स में से 9,000 टन ऑफ कार्बन हम रिमूव कर पा रहे हैं हर साल। 9,000 टन ऑफ कार्बन रिमूव हो रहा है हर साल इन 15 कार्बन प्लांट से। अगर देखा जाए तो इंटरनेशनल एनर्जी एसोसिएशन के मुताबिक हर साल हम लोग 31.5 बिलियन मैट्रिक टन ऑफ कार्बन रिलीज करते हैं। बहुत ही बड़ा नंबर है, याद रखिएगा, 31.5 बिलियन मैट्रिक टन हम कार्बन रिलीज करते हैं हर साल, जो हमारे एनवायरमेंट में रिलीज हो रहा है इतना सारा हर साल, बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट हो रहा है। अगर इसको हम कैलकुलेट करें 4,000 टन से, जो बहुत ही कम है, ये 4,000 टन रिमूव करता है जो इक्विवेलेंट है 800 कार के, जितना 800 गाड़ियों से धुआं निकालता है, जो CO2 निकालता है वो उतना ही हर साल रिमूव कर रहे हैं। माना ये टेक्नोलॉजी अभी इतनी इफेक्टिव नहीं है, उतनी एफिशिएंट नहीं है, बहुत ही ज़्यादा एक्सपेंसिव है, लेकिन समय के साथ साथ इस टेक्नोलॉजी को और भी ज़्यादा अफोर्डेबल बनाया जाएगा, और भी ज़्यादा ईजी बनाया जाएगा, और भी ज़्यादा एडवांस बनाया जाएगा ताकि आगे चल के इस टेक्नोलॉजी की मदद से हम और ज़्यादा कार्बन रिमूव कर पाए। और ये ऐसी प्रोजेक्ट से काम कर रहे हैं और आने वाले समय में
बहुत सी कंट्रीज में इस पावर प्लांट्स को लगाया जाएगा ऑन अ लार्ज स्केल पे, ताकि हम इसको रिमूव कर सके। उसी के साथ साथ इनकी सब्सक्रिप्शन बेस्ड सर्विस भी प्रोवाइड करते हैं। कोई भी इंडस्ट्रीज है अगर उनको CO2 रिमूव करना है, मंथली बेसिस पे पेमेंट लेते हैं, उनको CO2 रिमूव करते हैं। ये मार्केट बहुत स्मॉल है, ये टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं है, पर आने वाले समय में ये टेक्नोलॉजी बहुत ज़्यादा एडवांस होगी, बहुत ज़्यादा स्मार्ट होगी, जिसकी वजह से हम क्लाइमेट चेंज को लड़ पाएंगे इस टेक्नोलॉजी की मदद से। उन्होंने दिखा दिया किस तरीके से टेक्नोलॉजी बहुत ही बड़ा रोल निभा रही है क्लाइमेट चेंज में, और हम क्लाइमेट चेंज को सॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं। हर कंट्री अपनी तरफ से सॉल्व करने की कोशिश कर रही है, और ऐसी टेक्नोलॉजी के बारे में बताना मुझे बहुत ज़रूरी है आप सब लोगों को, क्योंकि ऐसी टेक्नोलॉजी की मदद से ही हम इतनी बड़ी प्रॉब्लम को सॉल्व कर पाएंगे। हर लोग कोई ना कोई मिलकर प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा है, तो हमारा हक बनता है ऐसे स्टोरीज को शेयर करना। एंड थैंक यू सो मच वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी प्लीज़ शेयर कीजिए, ताकि लोगों तक पता लगे इस कार्बन कैप्चर प्लांट के बारे में। थैंक यू सो मच।